जी, तो कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस की असाइनमेंट आपकी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं। पहली जो लाइब्रेरी जिसे मैं प्रेफर करता हूँ वो मूवमेंट्स की लाइब्रेरी है, और ये बहुत आसान है। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि डेटा के अंदर जितने भी मूवमेंट्स आप वो देख सकें। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस जो है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, फ्लैटनेस ऑफ द कर्व या स्क्यूनेस ऑफ द कर्व होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीन में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है, ये देखें, ये वाली लाइब्रेरी या पैकेज जिसका नाम है मोमेंट्स, आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देन यहां से आप इसको एक्टिव कर लेंगे, फिर कर्टोसिस किसी भी ऊपर भी लगा के, और फिर आप स्क्यूनेस निकाल लेंगे। अगर आपके पास किसी एक वेरिएबल में नल वैल्यूज हो तो आप यहां पे इस कमांड को यूज करते हैं, एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि रिमूव कर दो नल वैल्यूज को। सो जैसे मैं इन तीनों को रन करता हूं, यू विल सी डाउन देयर कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमेशा आपकी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू कर्टोसिस, एंड यूजली इट्स रिकमेंडेड कि जो स्क्यूनेस है वो आपके पास नॉट, लेट मी जस्ट गो टू माई नोट्स, गिव मी वन सेकेंड। यस, स्क्यूनेस शुड बी क्लोज टू जीरो, यानी कि स्क्यू पिचकी हुई डेटा को नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से, ठीक है। इट शुड बी क्लोज टू जीरो, जितनी जीरो के पास है उतना अच्छा है, यानी कि उतना आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ है बेसिकली। और कर्टोसिस जो है शुड बी क्लोज टू थ्री, तीन के पास पास होनी चाहिए कर्टोसिस। उसकी रीजन क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जानते हैं क्या होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन टू होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री होती है। तो जब थ्री के क्लोज क्लोज होती है, दैट मीन्स इट शुडंट बी मोर देन दैट। अगर उससे ज्यादा होगी तो वो उससे भी आगे फैल गई है, ठीक है। तो नॉर्मली जो कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस होती है वो आपकी जीरो टू थ्री के दरमियान दरमियान दोनों के वेरिएबल्स होने चाहिए। और अगर आप यहां पे गौर करें तो हमारी जो स्क्यूनेस है वो 0.38 यानी कि जीरो के करीब है, कर्टोसिस भी थ्री के करीब है विच इज 3.16, बट स्टिल द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि तीन से ऊपर चली गई है और यहां पे कर्टोसिस है। ये दो चीजें ही नहीं हम देखते, हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, और शपीरो विल्क टेस्ट उन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज अगर हम गौर करें, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पॉजिटिव होगी तो इस तरीके से होगी, नेगेटिव होगी तो इस तरीके से। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब डेटा ऐसे ऊपर को सीधा स्टीप हो गया, ठीक है। स्क्यूनेस अगर आपकी जीरो होगी तो इसका मतलब है कि सही है, बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इस तरीके से, नेगेटिवली स्क्यूड है तो इस तरीके से। तो वैल्यू जीरो के पास होना जरूरी होती है दोनों वेरिएबल्स की। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, बजाय एज के मैं सेम फेयर के साथ ये काम करता हूं, कर्टोसिस फॉर एग्जाम्पल फेयर के साथ, सेम कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। फेयर का हमारे पास कर्टोसिस 36 आ रहा है, ये आपको भी पता है क्यों आ रहा है। और अगर स्क्यूनेस की बात की जाए, यू विल सी ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, दैट इज व्हाई इट्स 4.77, समझ आई। सो डेटा जो है विजुअलाइजेशन के अलावा भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्यूनेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साइड उसकी बिल्कुल पिचकी हुई है और एक साइड बहुत आगे जा रही है। अगर आप फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो पिछले हमने प्लॉट्स बनाए थे, ये देखें, ठीक है। सो ये पॉजिटिवली स्क्यूर्ड है एंड इट्स रियली पीकी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक इनटू दिस थिंग। ओके जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक मैं चीज दिखाता हूं, ये आपकी गिटहब की जो रेपोजिटरी है जहां पे सारे के सारे कोड्स मैं अपलोड कर रहा हूं, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है। जितने भी कोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक्स में हैं अभी, तो बेसिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये कोड्स आपके पास जो हैं वो यहाँ पे, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और ये वाली एक मैंने फाइल बनाई है कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस की, आरएमडी फाइल है, जिसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे, आर मार्कडाउन फाइल इसे कहा जाता है। मैंने गिट को कनेक्ट किया हुआ है यहीं से, तो मैं यहाँ से गिट को लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल कमिट करता हूँ पहले। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, आई मीन वी विल सी दैट लेटर ऑन एज वेल, ताकि आप अपने काम जो है वो भी इस तरीके से कर सकें। राइट, ये हमारे पास कमिट हो गया, कमिट मैसेज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 26/09/2024, मैं डेट के हवाले से कमिट कर देता हूँ, देन क्लोज, देन पुश। I know it's a bit more programmatically difficult, लेकिन no issue, I will teach you how to do that.
एंड प्रोबेबली यू विल फाइंड, सी ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस की आज की फाइल, यहाँ पे स्क्रिप्ट सारे का सारा मौजूद है। अगर आप इसको ओपन करेंगे, हियर यू गो, ठीक है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये RMD फाइल मैंने बनाई है विच कैन बी यूज एज ए R Markdown फाइल। ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। एंड यू विल सी कि R Markdown फाइल जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू HTML डॉक्यूमेंट। और मैं आपको एक झलक इसकी दिखा देता हूँ सिर्फ, लेट मी सी, बेसिक 09 डिस्ट्रीब्यूशन कर्टोसिस क्यूनेस, ये वाली फाइल है, ठीक है, ये कर्टोसिस और क्यूनेस पे मैंने बनाई है। एंड सेव करते हैं इसे, ये रेंडर कर रही है इसको, एंड प्रोबेबली इट विल क्रिएट एन HTML फाइल, कर्टोसिस HTML, ये आ गई, व्यू इन वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम में इसे ओपन करते हैं जस्ट वंस, एंड हियर यू गो, ठीक है। सो इस तरीके से आप HTML, PDF कुछ भी बनाना चाहें यू कैन क्रिएट। तो यहां पे मैं HTML बनाई है, मैं यहां पे अगर PDF आउटपुट लिखता तो शायद वो भी बन जाता। लेट मी सी, मैं इसको एस कंट्रोल एस करता हूं, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूं, इफ यू आर नॉट श्योर इंस्टॉल, ओके, देन आई नीड टू इंस्टॉल सम लाइब्रेरीज एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिनक्स के जो PDF की डॉक्यूमेंट है। बट एनी हाउ, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट R Markdown। सिंपली आपने यहां पे क्लिक करना होता है और ये R Markdown होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ताकि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ करते जाएं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कर्टोसिस क्या होती है, स्क्यूनेस क्या होती है, किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं एंड क्यों ये जरूरी होती हैं व्हेन यू आर मेजरिंग सम काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा।